वालिया भील ने लिखा। राम जब वनवास के अंदर गए, वनवास के बाद में जब माता सीता को रावण उठा के अंदर थे, सारे राम के अपने भगवान श्री राम के खानदान के अंदर थे, बड़े बड़े राज्य थे उनके, लेकिन एक भी राजा महाराजा को नहीं बुलाया। आपके और मेरे खानदान, आपके और मेरे पूर्वजों को भगवान राम लेके गए थे। कहने का मतलब यह है, हमारी इस देश को बनाने के अंदर, इस देश की संस्कृति को बचाने के अंदर हम जनजाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हनुमान जी आज परमतम पूज्य देवता को आप जानते हैं। हनुमान जी कौन? हनुमान जी हमारे वनवासी वीर है, आदिवासी वीर है, हिंदू धर्म के अंदर प्रथम पूज्य है। माँ सबरी से राम का मिलन हुआ। उसके बाद में जो पुल बनाया था, आज नासा जैसा वैज्ञानिक संस्थान आज कह रहा है कि ये पुल उसमें बना था, वो भी नल और नील ने बनाया था, जनजाति ने बनाया था। थोड़ा आगे चलते हैं महाभारत के अंदर। महाभारत को सत्यवती भिलनी के पुत्र वेद व्यास ने लिखा था, और पांडु और कौरव, समय ज्यादा हो गया इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पांडु के पांडव और धृतराष्ट्र के कौरव, उसके इतिहास को देखना, ये भी सत्यवती भिलनी के पुत्र है, मतलब कौरव और पांडव। पन्नालाल जी ने बताया इस देश की सनातन संस्कृति की जड़ों के अंदर जनजाति वर्ग बैठा हुआ है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। ये मैं इसलिए इसके आगे और बढ़ते हैं। इस देश के अंदर जितनी भी लड़ाई हुई 1818 से लेकर 1947 तक, इस देश के अंदर अंग्रेजों के सामने गुलामी के समय जितनी भी लड़ाई हुई, उन लड़ाइयों भारत का इतिहास उठा के देखना, पढ़ के देखना, हर जगह हम एक से बढ़कर एक लग गए। 1575 के अंदर जब मेवाड़ के ऊपर संकट आया तो भी हम लड़े, मोतीलाल के तेजावत के नेतृत्व में हम लड़े। 1913 के अंदर जब मानगढ़ बलिदान हुआ, 1500 से ज्यादा भीलों का बलिदान हुआ, उस समय भी हम लड़े। जब सोमनाथ के ऊपर जब हमला हुआ, उस समय भी बेगड़ा भील के नेतृत्व हम लड़े। 1857 की क्रांति के अंदर भी हम लोग रानी जलपकारी बाई के रूप में लड़े, रानी गोजिंद के रूप में लड़े, तात्या टोपे के रूप में लड़े, और अनेकों महावीर पुरुषों के रूप में हम लड़े हैं। हमने हमारा कतरा खून का बहाया इस देश को बनाने के लिए। इसलिए इस हमको हमारे इस इतिहास को देखते हुए, हमारे गौरव को देखते हुए, हमारे इतिहास को भुला दिया गया था इतिहास के पन्नों में, किताबों में, उसको देखते हुए जनजाति गौरव दिवस भारत सरकार के द्वारा घोषित किया गया है, जिसको आज हम बड़ी खुशी के साथ में मना रहे हैं। मुझे आज 5 मिनट का समय मिला था, इसलिए मेरी बात को यहीं से विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे दिया, और सभी आदिवासी भाइयों के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। हमारे मोदी जी भी यही चाहते हैं कि हमारे जो देश के जनजाति बंधु भाई बंधु हैं, उनको हम किस प्रकार से आगे और आर्थिक रूप से उनको मजबूत करें, और हमारे अभी हमारे जो देश के सर्वोच्च पद पर जो महिला बैठी है, वो हमारे जनजाति बंधुओं की बेटी, हमारे देश की राष्ट्रपति महिला आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज हमारे उस राष्ट्रपति पद को सर्वोच्च पद पर बैठकर हमारे इस पूरे भारत का संपूर्ण देश संभाल रही है। इसलिए जो हमारे मोदी जी है, वो यही चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी भाई बंधु है, वो हमारे देश में आगे बढ़े आर्थिक रूप से भी और सभी प्रकार से। जय भारत, जय हिंद। कि हमारा इस देश के प्रधानमंत्री जी जनजाति समाज को एक गौरवान्वित जो दिवस घोषित किया केंद्र ने, जनजाति गौरव दिवस, उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने इस सम्मान को मनाए रखा और आगे बढ़ा रहे हैं। एक आदिवासी समाज का एक बहन गीत लेके आ रही है, उससे भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिले की प्रथम नागरिक बहन ममता कुंवर जी मंच पर विराजमान, इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय भंवर सिंह जी पवार साहब मंच पर विराजमान, कोटा के पूर्व प्रधान साहब मुरारी लाल जी, हिम्मत जी, भंवर जी, वनवासी कल्याण परिषद के सभी अधिकारी बंधु, और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के नाते हमारे बीच विराजमान जारोल से मंसीलाल जी वडेरा, मंच पर विराजमान सभी अतिथि महानुभाव,
और मैं सम्मुख विराजमान इस क्षेत्र की होनहार छात्राओं युवा साथियों, आज हम सभी यहाँ पर जनजाति गौरव दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। कल जो 15 तारीख थी, 15 नवंबर के दिन भारत सरकार ने पिछले वर्ष देश की मोदी सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाने का कार्यक्रम तय किया, क्योंकि 15 नवंबर के दिन झारखंड के उस महान सपूत भगवान बिरसा मुंडा का जन्म था। उस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम सभी मनाते हैं और आज हम सभी उसी उपलक्ष्य में कल कोटा में कार्यक्रम था, आज झाड़ोल में, इस प्रकार से 3 दिन तक ये कार्यक्रम 14, 15 और 16 तारीख को पूरे देश भर में चला। उसी के निमित्त आप सभी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं भगवान बिरसा मुंडा का लंबा थोड़ा इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन यह अवश्य जानता हूँ कि उनका जन्म झारखंड के एक छोटे से गांव में हुआ था। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनके अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जनजाति वर्ग पर जो अंग्रेज अत्याचार करते थे उसके खिलाफ कुछ समय की आवाज़ उठाई थी। उस समय आवाज़ उठाने वाला वो योद्धा था बिरसा मुंडा, जिसको हम सभी भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। और यदि किसी व्यक्ति के आगे, उस महापुरुष के आगे भगवान सब जुट जाता है, तो निश्चित रूप से उन्होंने इस प्रकार का कोई बड़ा काम किया होगा जिससे भगवान की श्रेणी में हम सभी उनको मानते हैं। आज इस अवसर पर मेरे छोटे से निवेदन पर माननीय प्रमुख साहब और भंवर सिंह कुमार साहब माद्री सीधे कार्यक्रम चलकर यहाँ पधारे, मैं मंच की ओर से उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने पधार के इस कार्यक्रम को सफलता को 4 चांद लगा दिए। और इस कार्यक्रम में जिन कार्यकर्ता बंधुओं ने अल्प समय में जितना बन सका उतना उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस गीत के बाद रहती है, राजस्थान में रहती है, उड़ीसा में रहती है, महाराष्ट्र में रहती है, ये हमारे ये विभिन्न प्रकार के जो राज्य है हमारे देश के अंदर, उसमें हमारे जनजाति समाज